मेरा नाम हाशिम जाकिर है, सो आई एम आल्सो डूइंग बैचलर्स इन जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है, रेडियो की इम्पोर्टेंस, अहमियत, हर दौर में रेडियो कितना इम्पोर्टेंट रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी जो रेडियो की इतनी मुमताज और इतनी शोहरत याफ्ता वॉइस है जनाब सतीश विमल जी हमारे बीच यहाँ मौजूद है, और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि I think it's the 12th World yes, Radio Day today. And the whole idea behind today's event for us is that, number one, radio is such an ubiquitous part of our lives. When I was young, then my father played the radio. What happened to me? I was connected to radio. And this relationship that started was accidental. I didn't choose and there was no shock. This was not a dream. कि रेडियो में कहीं नौकरी मिल सकती है, ये एक ऑप्शन हो सकता है ग्रेजुएशन या कुछ पढ़ने के बाद कि आप जॉब के लिए चूज करें, क्योंकि हम एक रिमोट एरिया से होके आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े, तब तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था और जिस बैकग्राउंड से आए थे वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था। हम लाइव ब्रॉडकास्ट जो हमारा चलता है वो आप दुनिया में कहीं पर भी सुन सकते हैं, तो आपको रेडियो की जरूरत रहता था वो अखबार देखने का, वो कार्टून की वजह से उनके बड़े खूबसूरत कार्टून आते थे उसमें बशीर अहमद बशीर की। तो बहरहाल मैं अखबार पढ़ता था, उनके जाने के बाद मैं घर के किसी कोने में बैठ के वो अखबार रखता था सामने और ऐसे पढ़ता था, ये रेडियो कश्मीर है, अब आप अब्दुल रशीद से खबरें सुनिए। तो उसके पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, राइट? तो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा हर किसी के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहिए।